हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई SSD सामने अपनी खड़ी है 2023 मारुति सुजुकी ऑल्टो। भाई कहते हैं ना, समय समय की बात है भाई, जिसका समय आ जाता है ना उसका बिल्कुल भाई टाइम ही बदल जाता है। किसी ने बिल्कुल भाई सही बात कही है। तो भाई पहले जो ऑल्टो आती थी ना भाई, इसके भी दिन बदल चुके हैं भाई। इसको भी नया जन्म दे दिया मारुति ने, कंपनी ने भाई इसको भी देख लो पूरा नए तरीके से पूरा पुनर्जन्म दे के भाई जब लॉन्च किया है। सामने अपने हैं ऑल्टो K10 BXI प्लस टॉप एंड वेरिएंट है। अगर कीमत की बात करते हैं ना इस वाले वेरिएंट की, तो आपको पड़ जा रहा है एक्सोरूम की बात करते हैं 5,34,000, ऑन रोड की बात करते हैं 6,11,000 पड़ जा रही है ऑन रोड। भाई आज चेकअप करेंगे अपने अंदाज में गाड़ी के सामने से। ऊपर की बात करते हैं ना हेडलाइट की, तो आपको नॉर्मल हेलोजन पूरा सेक्शन मिलता है, लो एंड हाई बीम का यही काम करता है। नीचे अपना पायलट लैंप, उसके आगे मिल जाता है सबसे इंडिकेटर की प्लेस, पूरा आपको हेलोजन सेक्शन है टॉप एंड वेरिएंट में भी। नीचे कोई भी आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता, देख रहे हो ऊपर का वेरिएंट है सबसे। तो इसी तरह से बॉडी का पार्ट दे रखा है पूरा का पूरा। अब आ जाते हैं सबसे बड़े चेंजेस सामने फ्रंट फेसियस की तरफ। भाई फ्रंट फेसियस की बात करते हैं तो सबसे पहले सुजुकी का लोगो मिल जाता है। उसके नीचे देखते हैं ना तो बिग साइज की ग्रिल मिल जाती है, मैट ब्लैक फिनिश में पूरी ग्रिल है, नंबर प्लेट की जगह हो गई। भाई छुटकू सा देख रहे हो, नीचे आपको मिल जाता है इस तरह से रेडिएटर वाली जो ग्रिल है ना, बड़ी छोटी दे रखी है भाई ऊपर के वेरियंट में भी। यहाँ पे हो गया बोनेट पे अपना इस तरह से बोसर, ठीक है। ऊपर देखते हैं और कुछ नहीं है। आगे एंटीना नहीं है, पीछे मिलता है ये हो गया अपने वाइपर। बड़े बिग साइज के वाइपर मिलते हैं छोटी गाड़ी के साथ। अब आ जाते हैं एक बार साइड प्रोफाइल की तरफ। ये है कुछ सामने के नज़ारे, सामने की बात करते हैं, देख रहे हो लंबी लंबी नहीं लग रही है पहले से, हाँ भाई बिल्कुल लग रही है। लेंथ की बात करते हैं, ये आपको मिल जाती है 3530 mm। आ जाते हैं यहाँ पे, ये चनक में आ रहे हैं ना बिल्कुल सामने आंखों के, तो यहाँ पे आपको स्टील लिम ऑफर किए जाते हैं ऊपर के वेरिएंट में। सेक्शन की बात करते हैं 145/80R 13 इंच प्रोफाइल है, 1 इंच कंपनी ने बढ़ा के दे दिया टायर, पहले आता था 12 इंच। फेंडर पे हो गया इंडिकेटर पहले वाले बल्ब के साथ। और बी एम की बात करते हैं, मैट ब्लैक फिनिश में है अपने, और क्या है काले वाले हैं मतलब अपने बॉडी कलर नहीं है अपने। यहाँ पर देखते हैं डोर हैंडल, तो आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं, मैनुअल की का ऑप्शन मिल जाता है, कीलेस एंट्री की जगह दे रखा है भाई, ऐसे चाबी घुमाओ शट से खुल जाता है। पीछे आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक। अब एक बार मतलब व्हील बेस पे नजर नहीं मारी ना, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। व्हील बेस की बात करते हैं 2380 mm का व्हील बेस मिल जाता है, जबरदस्त है। विड्थ की बात करें, जो फ्रंट फेसियस की चौड़ाई है पीछे से चौड़ाई है, वो आपको मिल जाती है 1490 mm गाड़ी की विड्थ मिल जा रही है। लेंथ एक बार फिर से बता देते हैं क्या जा रहा है भाई, यही तो काम है अपना, 3530 mm गाड़ी की लेंथ मिल जाती है, ठीक है। ये है कुछ साइड प्रोफाइल, कीमत मैंने बताई दी, ऑन रोड पड़ जा रही है 6,11,979 रुपये। आ जाते हैं पीछे, तो यहाँ पे देखते हैं पूरा सिलेरियो वाला सेक्शन दे रखा है, इंडिकेटर रिवर्स लाइट अपनी पूरा का पूरा हेलोजन में, ये भी टेल लाइट अपनी, हाँ। ऊपर देखते हैं तो भाई हाँ आगे मिल गया भाई एंटीना, पीछे नहीं है कुछ भी। यहाँ पे हाइट स्टॉप माउंट लैंप हो गया, और क्या है भाई फटी फोकर कुछ नहीं है। सुजुकी का लोगो, मैनुअल इस तरह से की लगेगी तब जाके बूट खुलेगा अपना। आ जाते हैं साइड में, तो भाई देखो K10 हटा दो तो फिर से ऑल्टो बन जाएगी, पर भाई यही तो मेन चीज़ है, ऑल्टो K10 की बैजिंग ये दे रखी है, और क्या चीज़ है नीचे दे, अच्छा साइड में इधर दे रखा है अपना। फ्यूल फिलर कैप की बात करते हैं कैपेसिटी की, ये आपको मिल जाती है 27 लीटर की 27 लीटर, जो कि अपनी पेट्रोल वर्जन के साथ है। अब देखो पीछे की बात करते हैं ना, तो ये है कुछ पीछे का मामला, चौड़ाई तो बताई दी, अच्छा की रहेगी ना, की बात करते हैं तो दो की दे रखी हैं, एक अपनी सेंट्रल लॉकिंग की है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है, लॉक अनलॉक के दो ही बटन दे रखे हैं। अच्छा ये होगी अपनी बटन वाली की भाई, अच्छा दूसरी की भी दे रखी है अपनी, मतलब चाबी दे रखी है, दूसरी की तो एक ही है जो कि अपनी बेस मॉडल वाली की है, कोई भी बटन नहीं मिलते दूसरी की में अपने। अब लगा लेते हैं इसकी सही जगह पर, खोल लेते हैं भाई अंदर का नज़ारा और देख लेते हैं अपना, ठीक इस तरह से होती है ओपनिंग। ये है कुछ अंदर के नज़ारे, सबसे पहले पार्सल ट्रे दे रखी है, एडजस्टेबल है। बूट स्पेस की बात करते हैं, 214 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, ये अपना जरूरी सामान मिल जाता है जिसको करना पड़ेगा साइड, जब ही तो देख पाएंगे भाई अपना क्या स्पेयर बेल्ट टायर। ये हैगा अपना पांचवा टायर जो कि स्टील रिम है, इसके साथ तो आपको व्हील कैप भी नहीं मिलते, ऐसे ही आता है, ठीक। पीछे से देखते हैं, देख रहे हो क्या मस्त प्रीमियम सा, इसमें तो नंबर आ रहा है अपना अंदर जाने का, ठीक है कर देते हैं इसको बंद। अब चल लेते हैं अपने इंटीरियर की तरफ, है ना, तो साइड प्रोफाइल से तो भाई मस्त लगती है यार बड़ी बड़ी। अब अंदर की बात कर लेते हैं ना, इंटीरियर में क्या कुछ दे रखा है अपने टॉप एंड वेरिएंट में। सबसे पहले ये है कुछ पूरा का पूरा डोर ट्रिम, क्या बात है भाई, बिग साइज का है, छोटी गाड़ी के साथ बड़ा विंडो मिलता है, सिल्वर हो गया प्रीमियम से अपना डोर हैंडल, नीचे अपना बोतल स्पेस, उसी के साथ डॉक्यूमेंट स्पेस, ये हो गया अपना स्पीकर की प्लेसमेंट। सीट की बात करते हैं, सीट अपनी फैब्रिक की आती है, ये अपना एसेसरीज का पार्ट है, कंपनी की तरफ से लगे हुए हैं सीट कवर।
एडजस्टेबल नहीं मिलते, हेडरेस्ट बिल्कुल आपको फिक्स ही मिल जाते हैं। अब अंदर चल लेते हैं, की बात तो हो ही गई है ना, तो फिर से देख लो एक बार क्या जा रहा है। दोनों वही वाली की है अपनी पुरानी वाली, ठीक है लगा देते हैं इसकी जगह। ओहो दिक्कत कर रही है भाई, लग जा ये। अब बनी ना बात, अब आ जाती है अंदर की कहानी। आ जाते हैं, बैठ जाते हैं अपने इंटीरियर की कहानी और चेक कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हमेशा की तरह अपने अंदाज में करेंगे अपने दरवाजे को यहाँ से बंद। क्या बात है भाई, अंदर की बात करें तो वो तो भाई मैं पहले से ही कहता हूँ, जो नई गाड़ी की खुशबू होती है ना अंदर से, वो अलग ही लेवल की होती है भाई। मजा आता है सूंघने में अंदर की खुशबू को। ओवरऑल ये है कुछ इंटीरियर की कहानी। सबसे पहले अपने स्टीयरिंग से स्टार्ट करेंगे। सामने देखते हैं योगी अपना सुजुकी का लोगो, यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है और देख रहे हो भाई क्या बात है। अब कोई भी हो भाई, जब बोलते हैं ना ऑल्टो, नहीं नई वाली ऑल्टो के अंदर बैठते हैं भाई, ऑल्टो K10 के अंदर बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना यार। कंपनी ने भी इसको भाई पुनर्जन्म दे दिया भाई, बहुत बढ़िया कर दिया यार। ऑल्टो को नए अपडेट दे दिए, नई जिंदगी दे दी, नया फेस दे दिया। तो स्टीयरिंग पे थे ना अपने, यहाँ पे देखते हैं प्रीमियम के लिए ना अपना, देख रहे हो सिल्वर सैटन का यूज है। यहाँ पे प्यारे से अपनी टेलीफोनी के वॉइस कमांड का ऑप्शन हो गए, ये जो कंट्रोल मिल जाते हैं ये अपने मिलते हैं मल्टीमीडिया के, जो कि इसी को कंट्रोल करने के लिए। इधर कोई भी कंट्रोल नहीं आता, ये हो गए अपने वाइफर के कंट्रोल, ये हो गए अपने लाइट के कंट्रोल। एडजस्टमेंट की बात करें एक बार, तो कहां गया भाई इसका खींचने वाला लीवर। अच्छा भाई फिक्स ही आता है, एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं होता ऑल्टो के अंदर। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी मिरर वगैरह नहीं मिलता टिकट होल्डर में। प्लेन अपना आईआरबीएम की बात करते हैं तो मैनुअल मिलता, ऑटोडम नहीं मिलता। ये अपना एक कोलिंग का बड़ा सा माइक हो गया। यहाँ पे क्या बात है भाई, हेलोजन लैंप है, मिल तो जा रहे हैं आपको आगे। इधर देखते हैं भाई पैसेंजर साइड, आपको कोई भी मिरर वगैरह नहीं मिलता। अब आ जाते हैं सेंटर, सामने की तरफ है ना। यहाँ पे सामने की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर की देख रहे हो पूरा। अब आ जाते हैं अपनी सामने की तरफ, अब आ जाते हैं अपने सामने की तरफ। सामने की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या नजर में आ रहा है भाई, ये तो दिख ही रहा लाइट लाइट, मुझे भी ये दिखा पहले। पर उसके ऊपर आपको एसी के वेंट्स मिल जाते हैं सबसे ऊपर। नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे अपना मल्टीमीडिया मिल जाता है, टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, दोनों चीजें मिलती है इसके अंदर। यहाँ पे सिल्वर सैटन का यूज हो गया और उसी के एंड्रॉइड तो मिल ही जाता है। अब आ जाते हैं अपनी सामने की कहानी पे, मल्टीमीडिया सेंटर कंसोल पे। सामने की बात करते हैं ना तो क्या चीज नजर में आ रही है भाई, जलती हुई मल्टीमीडिया ऑब्वियसली आ रही है ना आपकी नजर में। पर भाई उससे ऊपर भी देखो, यहाँ पे दो दो एसी के वेंट्स मिल जाते हैं। अब करते हैं नीचे की बात, यहाँ पे देखते हैं तो मल्टीमीडिया आपको मिल जा रहा है 7 इंच का मल्टीमीडिया। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले दोनों चीजें मिलती हैं। यहाँ पे देख रहे हो प्रीमियम के लिए सिल्वर सैटन का यूज है दोनों तरफ, नीचे नहीं है बस इधर और इधर दो ही तरफ मिलता है। यहाँ पे ये हो गया अपने पावर, यहाँ पे देख रहे हो पूरा डोर ट्रिम अपना क्लीन है ना। तो यहाँ पे मिलते हैं अपने पावर विंडो आगे के, ठीक ये रहे, अप एंड डाउन कर सकते हैं यहाँ से। इसी के बीच में आपको टिकटॉक 1000 लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। और थोड़ी सी नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं अपने को एसी के टेम्परेचर के मैनुअल कंट्रोल मिल जा रहे हैं। और थोड़ी नीचे आते हैं ना अंदर की तरफ झांकते हैं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, 120 वोल्ट के साथ है, यूएसबी का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे फोन रखने के लिए स्पेस, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। अब आ जाती है गियरों के ऊपर बात, गियरों की बात करते हैं। 5 स्पीड गियर बॉक्स है, ट्रांसमिशन मैनुअल है अपना। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जा रहा है अपना, कुछ भी पर्स वगैरह डाल सकते हैं, की वगैरह ये होगी अपना। हैंड ब्रेक पीछे कुछ नहीं मिलता, इस तरह से पूरा का पूरा ब्लैक। डैशबोर्ड एरिया की बात करते हैं तो आपको एक एयर बैग वहां पे मिल जाता है, एक एयर बैग यहाँ पे मिल जाता है। ग्लव बॉक्स देख लेते हैं, ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल जा रहा है यार नई वाली ऑल्टो के अंदर। पर कोई भी ज्ञान की मोटी छोटी किताबें नहीं मिलती, कर देते हैं बंद। हाँ ये चीज रहेगी ना, ये नहीं बताया था। तो भाई देखो अपने मिरर को जो कंट्रोल करने के लिए है ना, ये स्टिक दे रखी है, ये फैंसी वाली डंडी। इस तरह से आप अंदर का जो मिरर है ना, यहाँ से लेवल उसका एडजस्ट करोगे। कोई भी बटन वगैरह लीवर वगैरह नहीं मिलता है। तो अंदर की है इस तरह से कहानी इंटीरियर की। अब कहानी आ जाती है भाई रियर साइड की, तो आ जाते हैं खोल लेते हैं अपने दरवाजे को पीछे और देख लेते हैं भाई नए फेसियस के साथ इंटीरियर में क्या दे रखा पीछे वाले, मतलब नई गाड़ी के साथ अपना नया फेस लिफ्टी तो है ये। तो ये है अपना मतलब डोर हैंडल, ये तो भाई दिखाई दिया। अंदर की बात कर लेते हैं भाई, टाइम नहीं गवाते हैं। ये है कुछ पूरा का पूरा डोर ट्रिम, आगे की तरह पूरा ब्लैक है, मिस करेंगे भाई नजर में भी। सबसे पहले वही पड़ा है ना, सच
बताना कमेंट करके ये चीज, पावर विंडो मिस करेंगे, नहीं मिलती, इस तरह से अपना डंडा दे रखा है मैनुअल का, ये हो गया अपना डोर हैंडल, पीछे प्रीमियम वाला जैसे आगे है, ये अपना बोटल स्पेस, यहाँ पे आपको कोई बोटल स्पेस भी नहीं मिलता भाई। ये स्पीकर है, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, चलो ठीक है, ये है कुछ अंडर थाई सपोर्ट, अपने अंदाज में ठीक मिल जाती है। साथ ही साथ बात करते हैं हेड डेस्क की, तो बिल्कुल आपको रियर साइड के आगे के दोनों ही आपको चार मिलते हैं, चारों अपने फिक्स मिलते हैं। अब कहानी आ जाती है भाई, नई गाड़ी के साथ इंजन क्या मिल रहा है। पहले तो आता था 800 सीसी, अगर अब बात करते हैं तो अब आपको हो गया 1000 सीसी का थ्री सिलेंडर इंजन। पावर की बात करते हैं 65 BHP मिल जाती है। टॉर्क की बात करते हैं 89 Nm का, 89 Nm का टॉर्क दे रही है कंपनी। तो ओवरऑल ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।